माफी चाहूंगा, बहुत जज्बाती हूं मैं, रह नहीं पाया। आज एक बात का मैं यह खुलासा करना चाहता हूं कि स्टेज तो खैर हम जिंदगी में करते रहेंगे, मगर दिलो जान से आज मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत दिनों से मेरे दिल में थी। ये वो शख्सियत है जिसे मैं और मेरा पूरा घर प्यार करता है, जिनका नाम हाजी छोटे मजीद शोला है। और इस कव्वाली दुनिया को बहुत सारे अजीम नाजा मिल जाएंगे, बहुत सारे फनकार मिलेंगे, मगर एक छोटा मजीद शोला मिलना मुश्किल है। ये बहुत मेहनतों से आगे आए हैं, मेरे सीनियर हैं, और इनके 20 साल के बाद मैं आया हूँ इनके सामने। ना मेरी कल औकात है, ना मेरी आज औकात है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे दिल की जुबान है, और मैं कभी कभी बहुत 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 प्यार करता हूँ। बहुत मेहनतों से मजीद भाई आज इस मकाम तक आए हैं, और मैं समझता हूँ कि कव्वाली दुनिया का एक सितारा अभी भी चमक रहा है, जिसका नाम हाजी छोटे मजीद शोला। यकीन जाने गुलजार मियां अजीम ने जो बातें कही है, ये मैं समझता हूँ। उम्र का तकाजा अपनी जगह है, मगर फन अपनी जगह है, और फनकारी की दुनिया में आप लोगों के भी नाम बरसरे इक्तदार हैं। यहाँ पर भारत में, अगर भारत के बाहर या भारत के अंदर हाजी मजीद शोला को अगर सुना जा रहा है, तो वहीं अजीम नाजा को भी सुना जा रहा है, वहीं पर गुलजार नाजा को भी सुना जा रहा है। मैं दुआ करूंगा रब्बुल आलमीन इनकी मोहब्बतें मेरे सर पर रहे, और जब तक मैं पढ़ता रहूं तो मैं बस तुम्हारे सामने ही बस बूढ़ा हो जाऊं पढ़ के, बस यही, बस यही है, बस दिल में और कुछ नहीं कहूंगा। बस अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, वरना तुम जानते हो कि ये तो ये बोल के तुम मुझे हंसा देते हो, गाली दो है, गाली दो, ये बोल कर तुम मुझे हंसा देते हो, क्योंकि अजीमिया जब ये अपनी बातें हो रही थी ना, आपने मुझसे कहा कि अजमेर का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। अब सुनो कि बड़े खुददार है ख्वाजा, तेरे चिश्ती नहीं आते, बड़े खुददार है ख्वाजा, तेरे चिश्ती नहीं आते, तुझे दुखड़ा सुनाने हम कभी जल्दी नहीं आते। बुलाता है हमें जैसा तो रख वैसा भरम ख्वाजा, कभी अजमेर में हम अपनी जबरदस्ती नहीं आते।